गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। वन बिट एक्स्ट्रा आपके लिए लाया है सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज सेक्शन सी। सेक्शन ए एंड बी जो कि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और इस लेक्चर में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, और उनमें से आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें पहले हमें ये पैराग्राफ समझना है केस स्टडी वन का, और इस केस स्टडी वन से कंसर्न 5 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, 41 to 45। तो इस केस स्टडी को हम अच्छे से समझते हैं पहले, देन वी सॉल्व द क्वेश्चन 41 to 45। देन केस स्टडी टू आएगी, देन केस स्टडी टू में भी 5 क्वेश्चंस होंगे। गीतिका हैज रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट। गीतिका ने अपना सोशल अकाउंट अभी अभी क्रिएट किया है। शी इज वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत टाइम से ऑनलाइन आना चाहती थी। शी हैज़ रिसेंटली आल्सो गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस हाई स्कूल, और उसने एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में भी एडमिशन ले लिया है। एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट्स, और वो वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं जानती। वेन शी लॉग इन टू हर सोशल मीडिया अ फ्यू डेज लेटर, और जब वो सोशल मीडिया पर लॉग इन करती है तो क्या होता है, शी फाइंड्स, उसे पता चलता है डेट समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव, कि कोई उसे नेगेटिव पोस्ट कर रहा है, डिमीनिंग कमेंट्स ऑन हर सोशल मीडिया प्रोफाइल, और उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर रॉन्ग कमेंट्स कर रहा है। शी इज आल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल, और उसको अननोन पीपल से भी रिपीटेड मेल्स मिल रही हैं। व्हेनेवर शी गोज ऑनलाइन, जब भी वो ऑनलाइन जाती है, शी इज ट्रोल्ड बाय मल्टीपल अननोन पीपल, उसको मल्टीपल अननोन पीपल्स मैसेजेस करते हैं और उसे तंग करते हैं। तो अब इसके बेस पर वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस 41 to 45। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, गीतिका इज ए विक्टिम ऑफ इवेस ड्रॉपिंग, प्लैगरिज्म, फिशिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। तो ये जो सिचुएशन है इसमें गीतिका किस की शिकार हुई है, ये एक बहुत ही जनरल सिचुएशन है। जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं तो ये बहुत पॉसिबल है कि कोई भी हमें रॉन्ग कमेंट्स कर सकता है और नेगेटिव पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ जो ये गीतिका के साथ हो रहा है वो किस सिचुएशन का शिकार हुई है, तो इवेस ड्रॉपिंग में होता है कि किसी की इंफॉर्मेशंस को हाइड करना, प्लैगरिज्म जिसमें किसी की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लिया जाता है बिना उसको बताए और बिना उससे पूछे और बिना उसको क्रेडिट दिए। फिशिंग क्या होती है, दिस इज फिशिंग होता है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, लाइक उसकी आईडी को या पासवर्ड्स को चुरा लेना। एंड साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, दिस इज हरासमेंट, जब आप ऑनलाइन हरास कर रहे हो किसी को, हमें कोई हरास कर रहा है ऑनलाइन, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को हरास करना, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी की इंफॉर्मेशंस को, पर्सनल इंफॉर्मेशंस को जो है चुरा लेना, या उसकी उसको कोई भी ऑनलाइन हरास करना, उसके साथ उसको रॉन्ग जो है मैसेजेस देना, या उसको जो है नेगेटिव पोस्ट करना, दिस इज साइबर स्टॉकिंग। तो गीतिका इज द विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग, दिस इज द राइट आंसर। देन वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक, कौन सा
सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन है जो उसे लेना चाहिए, कौन सा सबसे राइट एक्शन है जो उसे लेना चाहिए। शी शुड स्टॉप गोइंग ऑनलाइन, क्या उसे ऑनलाइन जाना बंद कर देना चाहिए एंड डिलीट हर सोशल मीडिया अकाउंट और अपना सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर देना चाहिए। नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि किसी को भी सोशल मीडिया अकाउंट को विजिट करने का, सर्व करने का पूरा राइट होता है। शी शुड नॉट शेयर विद दिस विद एनीवन एज शी माइट फेस मोर ऑफ सच काइंड ऑफ बिहेवियर, क्या उसे अपना कुछ कोई भी डेटा शेयर करना नहीं चाहिए क्योंकि वो इस तरीके का बिहेवियर को फेस कर रही है, क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो अपना डेटा को सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती है, पोस्ट कर सकती है, लेकिन ध्यान से। शी शुड फाइल कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, क्या उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट करनी चाहिए? नो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्कूल अथॉरिटीज, और स्कूल अथॉरिटीज के नोटिस में ये चीज़ लानी चाहिए कि उसके साथ जो है गलत हो रहा है और ऑनलाइन उसको गलत मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यस, दिस इज राइट ऑप्शन, उसे अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहिए और उसे अपने स्कूल अथॉरिटीज को भी इसका नोटिस जो है देना चाहिए कि उसके साथ जैसा भी इलीगल बिहेवियर हो रहा है उसके बारे में। Our next question is, this is 43 question. After hearing or her ordeal, the school decides to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of students while using the internet. जब उसकी शिकायत स्कूल में सुनी जाती है तो स्कूल डिसाइड करता है कि वो मोरल प्रिंसिपल्स को पब्लिश करेगा जिससे कि हर स्टूडेंट्स के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बताया जाएगा, जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि जब भी वो इंटरनेट को कोई भी स्टूडेंट जब भी एक्सेस करे तो वो अपना एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही उसे एक्सेस करे। द स्कूल इज रेफरिंग टू डैश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अब यहाँ पे जो स्कूल कर रहा है वो क्या कर रहा है, कैसे राइट्स यूजर्स को बता रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या, वो इंटरनेट प्राइवेसी है या कंप्यूटर एथिक्स है या साइबर एथिक्स है? दिस इज साइबर एथिक्स, क्योंकि साइबर एथिक्स में ही हम सब कुछ पढ़ रहे हैं कि जब हम इंटरनेट पर होते हैं तो हमें कौन सा बिहेवियर, कौन से डिसिप्लिन्स को हमें यूज़ करना चाहिए, कौन से डिसिप्लिन्स और कौन से बिहेवियर को हमें फॉलो करना चाहिए, कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ये हम सारा साइबर एथिक्स में पढ़ते हैं। तो स्कूल जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा है, डेट इज़ साइबर एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गीतिका इज एडवाइज्ड बाय हर बेस्ट फ्रेंड, गीतिका को उसकी बेस्ट फ्रेंड सीरत एडवाइज करती है टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक्स बाय अदर, कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखा जाए कोई भी इंटेंशनल अटैक से या अनइंटेंशनल अटैक से, जो कोई भी अदर यूजर है जिसका जो हमारे हमारे ऊपर अटैक इंटेंशनली अनइंटेंशनली कर रहा है, तो उस अटैक से बचने के लिए हमें अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस इज आल्सो नोन एज डिजिटल राइट, कॉपीराइट, डेटा प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस इज डेटा प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल डेटा को प्राइवेट करने की के लिए सीरत बोल रही है गीतिका को कि वो अपने पर्सनल डेटा को जो है सिक्योर करके रखे ताकि कोई भी उस पर अटैक ना हो। तो दिस इज डेटा प्राइवेसी, इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को अपने प्राइवेट रखते हैं। एंड डिजिटल राइट भी ये नहीं है, कॉपीराइट भी ये नहीं है, क्योंकि कॉपीराइट में क्या होता है कि हमारे इंफॉर्मेशन को कोई कॉपी कर लेता है बिना हमसे पूछे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ये नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल में जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई और यूज़ कर रहा होता है। तो राइट आंसर इज डेटा प्राइवेसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंप्यूटर टीचर ऑफ गीतिकाज क्लास डिसाइड्स टू टेक एन ऑनलाइन सेशन,
जो गीतिका की क्लास की जो टीचर है कंप्यूटर टीचर, वो एक ऑनलाइन सेशन रखती है ऑन द टॉपिक नेटिकेट्स, नेटिकेट्स के टॉपिक पर, विच जनरली इंक्लूड्स, तो नेटिकेट्स के टॉपिक पर उसकी जो कंप्यूटर टीचर है वो एक ऑनलाइन सेशन रखती है। तो नेटिकेट्स क्या होते हैं, ये वो एटिकेट्स होते हैं जो हमें नेट पर फॉलो करने चाहिए। तो जो एटिकेट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं कि हम जो है ना तो किसी दूसरे से हर्ट हों और ना ही किसी दूसरे को हर्ट करें, तो हमें कुछ एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं जब भी हम ऑनलाइन होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक है, दैट इज सेफ गार्डिंग वंस पासवर्ड एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। कोई भी अपने पासवर्ड को सेफ रखे और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं उनको सेफ रखे, क्या ये सही है। लॉगिंग आउट ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स आफ्टर द सेशन, जब भी वो सेशन को लोग सेशन से बाहर निकले तो वो लॉग आउट कर दे। या फिर नोट बुलिंग और ट्रोलिंग एनीवन बाय डिसरेस्पेक्टिंग देम और पासिंग इन एप्रोप्रिएट रिमार्क्स, या किसी को भी धमकी ना दे या किसी को तंग ना करे उसको डिसरेस्पेक्ट करके और रॉन्ग एक्शन से, कोई भी रॉन्ग एक्शन से हम किसी को भी डिसरेस्पेक्ट ना करें, डिसअपॉइंट ना करें, क्या ये सही है। यस, ऑल थ्री आर राइट। हमने अपने पासवर्ड्स को, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखना है, जब भी हम सोशल मीडिया अकाउंट से बाहर निकले उससे लॉग आउट करना है हमने, और हम किसी को भी डिसरेस्पेक्ट या डिसअपॉइंट ना करें। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द ओके स्टूडेंट्स, दिस इज केस स्टडी वन। नाउ वी टेक केस स्टडी टू। जो केस स्टडी वन थी वो साइबर एथिक्स बेस्ड थी एंड दिस केस स्टडी टू इज बेस्ड ऑन द HTML बेस्ड। ये जो केस स्टडी है ये HTML बेस्ड है। अब हम देखते हैं ये कोड, देन वी सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कोड। फर्स्टली HTML स्टार्ट किया हमने, HTML फाइल स्टार्ट की, बॉडी टैग इसमें बिजी कलर लिया, दैट इज येलो, दिस इज बैकग्राउंड कलर, हमने येलो बैकग्राउंड कलर दे दिया है अपने वेब पेज का। फिर हमने सेंटर टैग लिया, सेंटर के अंदर हमने हेडिंग वन के अंदर ये लिखा आवर कंट्री इंडिया। अब ये H1 में आएगा यानी लार्जेस्ट साइज में आएगा और सेंटर में लिखा आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ क्या आएगा, H1 टैग, H1 जिसको हेडिंग वन के लिए हमने यूज़ किया है, जिसको अगर हमने शुरू किया है तो हमने बंद भी इसको करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा H1, तो ये स्लैश यूज होगा यहाँ एंड दिस इज बैकवर्ड स्लैश, इससे हमने H1 को बंद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं IMG SRC, यहाँ हमने क्या किया, एक इमेज ली और सोर्स में उस इमेज का पाथ दे दिया जो भी हमें इमेज चाहिए। नेक्स्ट इज हमने सेंटर टैग को बंद कर दिया, जो सेंटर टैग हमने यहाँ शुरू किया था उसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया। देन पी टैग शुरू किया, पी टैग में हमने फॉन्ट लिया, इसका कलर लिया रेड, साइज डिसाइड कर दी 5 एंड यहाँ लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन, ये है फॉन्ट की स्टाइल, या हम कहेंगे ये फॉन्ट की टाइप होती है और फॉन्ट की टाइप हमेशा हम फेस एट्रीब्यूट में देते हैं, इसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट नहीं यूज करते, फेस एट्रीब्यूट यूज करते हैं। दिस इज लाइन 2। अब हमने इसके अंदर जो भी लिखा, डेट इज हमने टेक्स्ट लिख दिया है, इंडिया इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज द 7। यहाँ सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज हुआ है और सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है पावर के लिए, और इसके अंदर हमने दे दिया TH, तो 7 की पावर बन जाएगी 7, सुपर स्क्रिप्ट को यहाँ हमने बंद कर दिया, TH जो है पावर में आ जाएगा। लार्जेस्ट कंट्री वाइल इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इंडिया हमारा जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे पॉपुलेशन की टर्म में, इट इज़ द 2nd। यहाँ फिर से हमने सुपर स्क्रिप्ट यूज़ कर दिया और सुपर स्क्रिप्ट पावर के लिए होता है और पावर का मतलब ऊपर, तो यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर
एनडी लिखा, ये ऊपर आ जाएगा, सेकंड बनेगा ये। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। सम फैक्ट्स अबाउट इंडिया आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे डैश लगा है और यहाँ हम देखेंगे कौन सा टैग बंद होगा। यहाँ पे पी टैग शुरू हुआ है और पी टैग को यहाँ बंद कर दिया गया है, दैट्स राइट। फॉन्ट का टैग यहाँ स्टार्ट किया हुआ है और फॉन्ट हम देखते हैं कि फॉन्ट कहीं भी बंद नहीं हो रहा है। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ था, यहाँ बंद हो गया है और फॉन्ट टैग यहाँ बंद नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फॉन्ट जो है इस डैश में आएगा, फॉन्ट को हम बंद कर देंगे। देन हमने पी को भी बंद कर दिया है, तो हमने जो भी टेक्स्ट लिखा वो रेड कलर में लिखा और साइज रखा हमने 5 और जो हमारी फॉन्ट की टाइप है वो हमारी रही टाइम्स न्यू रोमन। देन हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमने देखा था कि दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेटेड लिस्ट होती है, दैट इज बुलेट। तो अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम जो भी LI लिखेंगे, लिस्ट आइटम्स लिखेंगे, तो वो सारे आइटम्स जो हैं बुलेट में आएंगे, तो इनका जो है बुलेट में ये सारे आइटम्स रिप्रेजेंट हो जाएंगे। देन अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने बंद करना है, जो शुरू किया था वो यहाँ डैश में बंद होगा, दिस इज क्लोजिंग ऑफ UL। देन बॉडी टैग को बंद कर देना है और HTML टैग को बंद कर देना है, दिस इज आवर कंप्लीट HTML प्रोग्राम। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 46 to 50। नाउ टेक द क्वेश्चन। This one is 46th question. Choose the correct option from the following to fill in the line one. To fill up in line one. अब हम देखते हैं line one के अंदर क्या correct option आएगा। इसके लिए एक बार हम previous page पे जाते हैं। तो line one, this is line one. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमने देखा था कि H1 को हमने शुरू किया था, तो H1 को हमने बंद भी करना है बैकवर्ड स्लैश से। नाउ वी कम ऑन आवर 46 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द लाइन वन। तो लाइन वन में क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, दिस इज H1। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब ये जो H1 है ये दो तरह के स्लैश में है, दिस इज बैकवर्ड स्लैश एंड दिस इज फॉरवर्ड स्लैश। जो H1 होता है ये हमेशा बैकवर्ड स्लैश में, दिस इज बैकवर्ड स्लैश, और इस बैकवर्ड स्लैश में ही कोई भी टैग जो है क्लोज होता है, हमेशा बैकवर्ड स्लैश के साथ ही हर एक टैग जो है क्लोज होता है। स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज होते हैं, कई जो है फॉरवर्ड स्लैश को यूज कर देते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। हमें ये ध्यान रखना है, हमें बैकवर्ड स्लैश से ही हर एक टैग को बंद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन टू। अब लाइन टू में क्या करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज लाइन टू, एंड यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे फेस आएगा, क्योंकि जो टाइम्स न्यू रोमन है ये फॉन्ट की स्टाइल है, और फॉन्ट की स्टाइल लाइक टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, एरियल ब्लैक, कोई भी हो सकती है, तो जो भी हो वो हम फेस एट्रीब्यूट में बताते हैं, टाइप एट्रीब्यूट में उसे जो है नहीं बताते। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है, फॉन्ट के लिए फेस एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। तो राइट आंसर इज फेस, टाइप एट्रीब्यूट आंसर नहीं आएगा, टेक्स्ट भी नहीं होगा, एंड फॉन्ट जो खुद ही एक टैग होता है, कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, और टेक्स्ट भी रॉन्ग। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन थ्री। अब लाइन थ्री में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये हम चेक कर लें, दिस इज लाइन थ्री, और इसमें करेक्ट ऑप्शन जो कि फॉन्ट टैग जो कि यहाँ शुरू हुआ था उसे हमें यहाँ पे क्लोज भी करना है, तो बैकवर्ड स्लैश फॉन्ट, दिस इज राइट ऑप्शन, दिस इज राइट ऑप्शन। F कोई भी टैग नहीं होता, एंड सिंपल फॉन्ट भी टैग
यहाँ यूज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन लाइन फोर. लाइन फोर के अंदर कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा. दिस इज लाइन फोर और इसमें हम देखते हैं कि हमने जो एल आई शुरू किया था, लिस्ट आइटम्स शुरू किए थे, तो हर एक जो लिस्ट होती है उसके अंदर एल आई हम बताते हैं लिस्ट आइटम्स के लिए. तो जो एल आई हमने शुरू किया है उसे हमें यहाँ पे फिनिश भी करना है. फॉरवर्ड स्लैश से हम एल आई को फिनिश कर देंगे. जैसे हमने एल आई को यहाँ शुरू किया है, यहाँ फिनिश कर दिया, यहाँ शुरू किया एंड देन यहाँ फिनिश कर दिया, वैसे ही यहाँ पे भी हमने एल आई को फिनिश करना है. सो आवर राइट आंसर इज एल आई का फॉरवर्ड स्लैश. इसमें और इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो फॉरवर्ड स्लैश को हमने यूज़ नहीं करना और ये भी रॉन्ग ऑप्शन है. आई टैग जो है यहाँ यूज नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप इन लाइन फाइव. लाइन फाइव के अंदर कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा. अब हम लाइन फाइव को भी देख लेते हैं. लाइन फाइव दिस वन इज और यहाँ पे हमने देखा था कि यू एल टैग को अगर हमने शुरू किया है तो उसको बंद भी करना होगा, तो यहाँ हमने यू एल टैग को बंद करना है. तो यहाँ यू एल टैग को बंद करना है फ्रॉम बैकवर्ड स्लैश. दिस इज द राइट ऑप्शन. ये स्लैश जो है रॉन्ग है. यू एल टैग भी नहीं आएगा, ये ओनली यू एल नहीं आएगा एंड ओनली यू एल यहाँ टैग वाला भी नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट्स, हमने 50 के 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं. इसके लिए हमने तीन वीडियोस के थ्रू ये जो है सैम्पल पेपर कंप्लीट किया है, वीडियो ए बी एंड सी. अब इसमें हमने लास्ट जो है 10 क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर देखे. ओके स्टूडेंट्स, आपकी बेटर प्रिपरेशन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए और भी एमसीक्यू सीरीज जो है लेकर आएंगे और आप हमारे साथ बने रहें. सैम्पल पेपर के बिल्कुल जैसे ही एमसीक्यू सीरीज आपकी होगी और इससे आपके पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको बहुत प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारे सैम्पल पेपर आपके तैयार हो जाएं, क्योंकि हम सारे सैम्पल्स आपके लिए सैम्पल पेपर आपके लिए लाने वाले हैं. और हमारे चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर दें एंड शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के बीच में, ताकि सभी की जो है प्रिपरेशन आपके फ्रेंड्स की अच्छी हो जाए. और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें. ओके स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर यू. थैंक यू एंड बाय बाय.